लेकिन आज के दिन किसी एकाध डिफेंस स्टॉक में एंट्री करनी है सबसे प्रेफर्ड प्ले प्योरली डिफेंस के लिहाज से. See, I think definitely Ashish ji, एक चीज है कि प्योरली डिफेंस के लिहाज से ज्यादातर choices as compared to जो private sector की काफी से ज्यादातर public sector enterprises में है, तो उस लिहाज से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमारा फेवरेट स्टॉक रहेगा. उसका रैशनल मैं देता हूँ. जनरली डिफेंस में बहुत जरूरी ये देखना कि कंपनी के पास कितने पोर्टफोलियोज है, कितने अलग अलग वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है. नो डाउट काफी स्पेशलाइज और भी डिफेंस कंपनीज है, जैसे कि HAL है, जैसे कि BDL है, कि जो इधर मिसाइल्स में काम करती है या जो हेलीकॉप्टर्स या फाइटर प्लेन्स में काम करती है. लेकिन BEL के अंदर अच्छी बात यह है कि दे आर हैविंग अ फैंटास्टिक पोर्टफोलियो ऑफ रडार सिस्टम्स और काफी ऐसे प्रॉक्सीज पेरिफेरल्स बनाते हैं कि जो जाता है काफी एंड प्रोडक्ट के अंदर. और यहाँ पे हमने देखा है कंसिस्टेंटली BEL जैसी कंपनी अच्छे मार्जिन्स पे काम करती है और उनकी वर्किंग कैपिटल ज्यादातर स्ट्रेच नहीं रहती है. तो ऑर्डर बुक बहुत ही तगड़ा है और इनके पास क्षमता रहती है कि नया R&D करके नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाए. और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिजीनियस जो स्पेंडिंग हो रहा है और डोमेस्टिक कंपनी से जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफेंस में भी आने वाले 2 से 3 साल में रेलवे जैसा हाल होगा कि ऑर्डर तो बहुत तगड़े होंगे लेकिन लोगों के पास कैपेसिटी नहीं होगी. तो उस लिहाज से BEL के पास क्षमता है कि उनकी कैपेसिटी बढ़ा सके. काफी जॉइंट वेंचर्स भी उन्होंने किए जिसके वजह से टेक्नोलॉजी टाइप्स उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. तो मुझे लग रहा है कि BEL शुड बी द स्टॉक जो आने वाले 2 से 3 साल में यहां से भी इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दे सकते हैं. ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कुछ फंडामेंटली चुनना है तो ये है ट्रेकॉम की सबसे प्रिफर्ड पिक आप लोगों की स्क्रीन पे. वैसे सारे स्टॉक मूड बाजार का गड़बड़ है, देखते हैं आज किस तरह के अपटिक से दिखा पाते हैं. उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट से जो चलेंगे स्टॉक्स या जो पिटने लगे इधर वेज उन पे बातचीत कर ली जाएगी. ये सब एडिड है हम लोग की स्क्रीन पे, आप भी ऐड करके रखिएगा ये सारे स्टॉक्स. डिफेंस से मूव कर रहा हूं फार्मास्यूटिकल्स की तरफ. और फार्मा एज अ स्पेस आपने देखा होगा इस कोविड टाइम्स में कुछ अच्छा आउट परफॉर्मेंस. आज भी एक्सपर्ट्स के टेक्निकल फंडामेंटल अगर बाय साइड के कॉल्स आए तो फार्मास्यूटिकल पे आए. खबरें भी कई सारी है स्पेस में. हर्षदा, फार्मास्यूटिकल्स हरकत में? जी हाँ, सुवन लाइफ साइंसेज या फिर सुवन फार्मा रेडार पर रहेगा. आपको याद होगा नेट